श्रीराम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। आज हम गौशाला आए हुए हैं और गौशाला में सवामणी हो रही है और वो भी दिखाते हैं आपको। और ये जो हमने पौधे लगाए थे ये भी दिखाते हैं क्या कंडीशन है। तो चलो दिखाते हैं पौधे। तो ये गुलाब की कलमें हैं, देखो ये देखो, ये भी ठीक है। ये देखो गुलाब की कलमें कौन सी, हाँ ये भी देखो, ये भी अच्छी चल गई। और वो पौधे देखे हैं आपने, ये वो पौधे हैं जो उस दिन लगाए थे। फोकस नहीं कर रहा ये, अच्छे सदाबहार वाला पौधा नहीं, हाँ ये सदाबहार के हैं। ये देखो आप गौ माता के भी दर्शन कर लो, ये हमारी गौ माता। हाँ फिर गौशाला हरी भरी दिखने लग जाएगी ये सदाबहार वाले हो गए तो। रोड तैयार होगी नहीं भी बाद में, इल्ली साइड पुल होगा, इल्ली साइड ये भाड़ा हो जाएगा। सीधी गेट हो, सीधी आवेगी रोड, सुंदर लगने लग जाएगी। फिर खुल जाएगा आगे सारा भाड़ा तैयार होता रहेगा, अभी लगेगा साल छह महीना। उधर सवामनी मना रहे हैं वो भी दिखाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चारा डाल रहे हैं बेगराज भाई, बेगराज ताऊ जी। ये अपना बिल्डिंग वाला मिस्त्री लाग रहे। तो ये गौशाला में गेट थे, थोड़ी रिपेयर कराई है इनकी। ये मांगीलाल भाई जी, तो अभी आपको सवामणि दिखा देते हैं। इधर सवामणि बना रहे हैं। तो ये टिकोमा, ये पहले लगाए थे एंट्री के अंदर ही हैं। ये देखो ये गौशाला की एंट्री है और ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं टिकोमा के हैं। ये इधर भी लगाए हुए हैं टिकोमा के। ये सवामणि मना रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। ये सवामणि मना रहे हैं। ये फूल देखो टिकोमा के कितने अच्छे लगते हैं। अभी सवामणि गाड़ी में डाल ली, इसको चराने लेके जाते हैं। अभी थोड़ा पानी डाल रहे हैं, गर्म है ये, ठंडी भी हो जाएगी। पानी डाल रहे हैं इसमें, थोड़ी गाढ़ी भी है और थोड़ी गर्म भी है इसीलिए। तो बने रहें वीडियो के अंदर। ये नन्हे बछड़े, ये जग कल्याणी गौ सेवा संघ के सभी मेंबर हैं। ये बड़ों में कराया लगा रहे हैं गोरा ट्रैक्टर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको देव के और दर्शन करा देते हैं। तो ये हमारा देव है, देव, ये देव है।
देखो नन्हे बछड़ों के साथ कितने प्यार से रहता है, किसी को नहीं मारता। वो सामनी दिखाते हैं और खिलाते हैं गौ माता को, तो जुड़े रहे वीडियो के अंदर। ये इसको मिक्स कर रहे हैं सामनी को। इसमें काका जी कितना खर्चा आ जाता है लगभग? इसमें वैसे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, वैसे 2100 रुपए खर्चा पड़ता है इसमें तेल वगैरह डालें तो। अगर इसमें अपने सरसों का तेल नहीं डालते, सीधी सवामणी करते हैं, तो इसका 1500 रुपए, मात्र 1500 रुपए संस्था की ओर से सवामणी का प्राइस रखा नहीं गया। ये किस चीज के होती है? कणक की, गेहूँ? ये गेहूँ की होती है। गेहूँ पीस करके उसका दलिया बनाया जाता है, उसको उबाल के पानी में गुड़ डाल के फिर सभी गाय को खिलाया जाता है। ये उसे सारे में मिक्स करके? हाँ जी, ये तूड़ी सूखा होता है जो, उसमें मिक्स करते हैं फिर खिलाते हैं। जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि जयको श्री कृष्ण गौशाला चुनावड़ कोठी धाम में सवामणी करना चाहे या कोई दान देना चाहे तो हम नंबर छोड़ देंगे इसके लिंक में, वीडियो के नीचे आ रहा होगा आपको, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सवामणी कराने के लिए मात्र 1500 रुपये देकर भी सवामणी करा सकते हैं। जो गौ माता को ग्रास देते हैं उनके खजाने कभी खाली नहीं होते, हमेशा भगवान भरे रखते हैं। और आपको गौशाला का स्कैनर भी दे देंगे वीडियो के नीचे, तो अगर कोई बहन भाई कोई दान दक्षिणा करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। और आज की सवामणी हमारे जग कल्याणी गौ सेवा संघ के मेंबर श्री राम स्वरूप भाई जी के तरफ से है और नरेंद्र भाई जी की तरफ से, जिनका डीजे साउंड हमारे शिवरात्रि के प्रोग्राम में भी चला था, आगे भी चलता है और आगे भी गौशाला में बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। तो अभी वो पीछे वाले बाड़े में लेके चलते हैं स्वामिनी को। ये बुजुर्ग हैं, नरेंद्र जी हैं जो डीजे वाले भैया, उनके दादाजी। आराम से आराम से आराम से। अभी गौ माता को पता चल गया, देखो तो अभी तूड़ी लेने जे गए हैं, पहले तूड़ी और हरा चारा डालेंगे, उसके बाद इसके अंदर सवामणी है जो कणक के दलिये से बनी हुई है उसको मिक्स कर देंगे। तो ये पौधों को देखभाल कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं पौधों को। ये विजयपाल भाई जी तूड़ी गिर रहे हैं। तूड़ी डाल रहे हैं, तूड़ी डालने के बाद सवामणी डाल देंगे। गौ माता को भी पता है अभी, ये देखो सारी इधर ही मुंह करके खड़ी है, ये देखो। ये हमारे मैनेजर सर, मैनेजर साहब अशोक जी बंसल। बता करनी धक्का लगा यार,
ये देखो जिधर सवामणी लेके जा रहे हैं उधर ही सारी गौ माता जा रही है, वहां पे तुड़ी डाली हुई है। यहाँ पे तुड़ी डाली हुई है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैर सवा मणि इधर तुड़ी डाल रही है। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये डाल रहे हैं सवामणी ये रड़ा भी रहे हैं। पंकज कुमार ये हमको दे दो, ये लो आप बाल्टी। अरे ऐसा मत करो पंकज, आप ध्यान से करनी, अच्छे से मिक्स कर दे इसके अंदर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको गौशाला की नई अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। ये आप देख सकते हैं पीछे मौसम देखो कितना अच्छा हुआ है। तो अभी यहाँ वहां पीछे से लेके यहाँ तक तूड़ी डाल दी है और आगे डाल रहे हैं। ये इधर पीछे पीछे सवामणी भी डालते आ रही हैं। ये तूड़ी डाल रही हैं। तो ये गौ माता
अभी खा रही हैं। ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं लाइन के अंदर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी गौशाला की नई अपडेट आपको मिलती रहे। ये देव वाले बाड़े में भी अभी सवा मणि गिर रहे हैं। ये देव देव है। देव के साथ सभी नन्हे बछड़े रहते हैं। चुनावट जय सिया राम। जय सिया राम। जय गौ माता की। आज हमारे गौशाला के अंदर सार सर डीजे साउंड रत्ते वाला से भाई नरेंद्र और भाई राम स्वरूप और इनके दादाजी जो नाम क्या दादाजी टिक्कू राम जी, ये चार बीबी गांव से रहने वाले हैं। गौशाला के अंदर आज पहली बार सवामणि करने के लिए आए हैं। इससे पहले शिवरात्रि पर इन्होंने हमारी गौशाला के अंदर शिव भगवान का जो रुद्राभिषेक किया था उसमें डीजे साउंड की सेवा दी थी और पहली बार ये सेवा दी थी। उसके बाद इनके ऊपर गौ माता की ऐसा कृपा हुई है कि ये यहाँ गौ माता के लिए सवामणि करने के लिए आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनको पहली बार गौशाला में सवामणि करके कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। नरेंद्र जी बताएंगे आप। थाने किया लाग्यो गौशाला के अंदर आया हो थे। हाँ जी। और थे के केड़ा चाहोगा जका मारो चैनल देखन लाग रहे हैं लोग आने के केड़ो चाहोगा के चैनल केड़ा चाहोगा भी सारा ही सेवा करना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। जो भी जय सियाराम। जय गौ माता की। जय गौ माता की। जय मां अन्नपूर्णा। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।